पुलिस को ये सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक नकली फैक्ट्री चल रही है जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोया मिला है जो नकली बनाया जा रहा था, और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोया तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कौन कौन आदमी से सम्मिलित है उनके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से त्योहार का सीजन चल रहा था तो इसने बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है, आजमगढ़ पुलिस ने। सर, इनका रैकेट और भी बड़ा था, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे, इसकी तहकीकात की जा रही है क्या? इसकी तहकीकात की जा रही, पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह का काम हो रहा है, तो पुलिस ने इसका सूचना संकलन किया और अपने आदमी वहाँ पे लगाए देखने के लिए कि वहाँ पे कहाँ बन रहा है। इसके बाद जब सारा चीज पुख्ता हो गई, ये कंफर्म हो गया कि बनाया जा रहा है, इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा रेड किया गया और 50 कुंटल से अधिक ये नकली मावा यहाँ से पकड़ा गया है। सर, मेन अभी तक इसमें कौन है जिसका नाम सामने आ रहा है, जो संचालन कर रहा है? ये अभी पूछताछ चल रही है और आदमी हमारे पास कुछ हिरासत में, उनसे पूछताछ जाएगी, इसके बाद हम कंफर्म करके बता पाएंगे कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है। लगभग ये मानिए कि हमारे पास आधा दर्जन से अधिक आदमी है जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। अच्छा सर, जो शॉप विक्रेता थे, जो खरीदते थे यहाँ से, क्या जो अभी दुकान बेचते थे, उनके खिलाफ भी इसका उपाय है? बिल्कुल, उनके विरुद्ध भी जो इसमें इन्वॉल्व है, ये गलत माल जानते हुए ये इस्तेमाल कर रहे हैं और पब्लिक के हेल्थ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, मौके पर फैक्ट्री मालिक मिला कि नहीं? हाँ, यहाँ पर है, मौजूद है, जो कराने वाले यहाँ पे मौजूद हैं।